वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस हेयर स्मूथनिंग से रिलेटेड। तो मैंने हेयर स्मूथनिंग कुछ 6 मंथ्स बैक मैंने किया हुआ था और अभी ऑलमोस्ट मतलब ये जा रहा है। जो पहले जो ट्रीटमेंट वाले बाल रहते हैं ऑब्वियसली वो नीचे नीचे जाएंगे, राइट? तो नीचे आप देख सकते हो ये काफी अच्छे से स्मूथ अभी भी हैं और ये जो सारे ऊपर से जो आए हैं वो अभी न्यू ग्रोथ है। तो जो मेरे ओरिजिनल जो बाल है हल्के से वेवी है मेरे बाल, तो वो अभी वेवी हल्के से दिखने चालू हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे काफी लोगों ने पूछा था कि कैसा है एक्सपीरियंस और रेकमेंड मैं करूं या नहीं करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले खुद एक्सपीरियंस इसे अच्छे से कर लूं 6 मंथ्स और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस यू नो शेयर करूं। सबसे पहले तो आपको अगर स्मूथनिंग करना है तो आप कहाँ से कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने घर के एक पास से सलोन से मैंने करवाया है और वहां पे एक्सपर्ट्स थे, तो मैंने पहले पूरी प्रोसेस उनसे पूछी थी कि कैसे होता है क्या होता है, और उसके बाद मैंने फिर अपने आप को एनरोल किया वहां पे। ये प्रोसेस काफी लेंदी प्रोसेस है, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स लगते हैं आपको ये पूरे स्मूथनिंग के लिए, ठीक है। तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरी चीज है कि आपको प्रोडक्ट वो लोग क्या यूज करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये चीजें पहले पूछ ली थी कि क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उन्होंने लॉरियल के ही प्रोडक्ट्स यूज किए थे, ओरिजिनल लॉरियल के प्रोडक्ट्स, ओके। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, मैंने सुना है कि कहते हैं लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ फेक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या यू नो कुछ सस्ती चीजें यूज करते हैं, तो वो एक्चुअली सही बात नहीं है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि प्राइस, तो मुझे काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया था। यस, आई वाज लकी। कुछ उनका न्यू ईयर का कुछ ऑफर चल रहा था जो उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ था, तो मुझे ये टोटल जो है 2000 रुपीज में ये पूरी प्रोसेस मिली। और लेकिन मैंने बाहर बहुत जगह पे पूछा तो 4000, 5000, 6000 भी है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हो। ओके, तो पोस्ट स्मूथनिंग बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, बहुत ज्यादा केयर लेनी होती है। जैसे एक बेबी की केयर लेते हो ऑलमोस्ट वैसे ही आपको ये स्मूथ बालों की केयर लेनी पड़ती है। प्रॉपर शैम्पूज और कंडीशनर आपको यूज करना होता है और आपको हेयर स्पा करवाने पड़ते हैं ऑलमोस्ट वंस इन अ मंथ। तो मैंने घर पे ही हेयर स्पा किया एवरी 15 डे। आपको कोल्ड वाटर से ही बाल जो है यू नो वॉश करने पड़ते हैं, आप हॉट वाटर नहीं यूज कर सकते हैं। आप ज्यादा सनलाइट में भी यू नो एक्सपोज नहीं हो सकते हो क्योंकि वो अफेक्ट करेगा आपके बालों को, ओके। तो ये एक चीज है। एक और चीज है कि आप हेयर ड्रायर ज्यादा नहीं यूज करें क्योंकि उससे क्या होगा कि और ज्यादा बाल ड्राई हो जाएंगे, स्कैल्प ड्राई हो जाएगा और ज्यादा डैंड्रफ हो जाएगा, तो वो भी चीज आपको अवॉइड करनी पड़ती है। इस चीज में आप वेट बालों को टाई नहीं कर सकते हो, आपको फुल्ली ड्राई होने तक वेट करना पड़ता है। हेयर ऑयल भी लगाना होता है क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन, तो आप ऐसे ही नॉर्मल हेयर वॉश नहीं कर सकते हो, ऑयलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये है शैम्पू जो मैंने यूज किया है और अभी भी कर रही हूँ, लॉरियल प्रोफेशनल का, आप देख सकते हैं एक्सटेंसो है ये, ठीक है। तो ये शैम्पू है और ये है कंडीशनर, एक्सटेंसो ही है लॉरियल का, और मैंने ये नायका से मंगवाए हैं। आई थिंक ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ये मेरे सेकेंड बॉटल है, ओके। तो 6 मंथ्स में आई थिंक मुझे ये सेकेंड टाइम मुझे बाय करना पड़ा है ये, ठीक है। इसकी प्राइस मैं बता दूं तो शैम्पू की जो प्राइस है वो है 530 रुपीज और कंडीशनर की प्राइस है 630 रुपीज, ओके। तो काफी कॉस्टली है ये, लेकिन फिर उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि यही स्मूथ बालों पे वर्कआउट होगा, कोई आप नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज कर सकते हो, आपको यही यूज करना पड़ेगा। हेयर सीरम उन्होंने कहा कोई भी आप यूज कर सकते हो, तो मैंने स्ट्रीक्स का मैं पहले से यूज कर रही हूं, तो मैंने यही सीरम यूज किया है, ओके। ओके, तो हर चीज के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। प्लस पॉइंट स्मूथनिंग के ये है कि ऑब्वियसली आपको एक स्मूथ लुक मिलता है बालों के लिए, और यू नो मतलब जिनके बहुत कर्ली है या बहुत वीवी है तो उनके लिए एक यू नो आई थिंक उनका एक ड्रीम होता है कि यार मेरे भी स्ट्रेट बाल हो, राइट। मुझे भी बहुत पहले से था कि एक बार मैं अपने बाल स्मूथ करवा लूं, मुझे काफी टाइम से एक्सपीरियंस करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार कर ही लेते, एक बार देख लेते कैसे होता है।
नो डाउट आई हैव लव्ड माय लुक, क्योंकि बहुत ही अलग यू नो आपका फेस भी काफी अलग दिखता है और काफी अच्छा लगता है। मुझे काफी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि मेरे फेस के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। या अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये केमिकली ट्रीटेड बाल है, ओके तो केमिकली ट्रीटेड बाल है तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं इस पे। स्कैल्प आपका ड्राई हो जाता है काफी हद तक, स्कैल्प ड्राई हो जाता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है। तो ये दो चीजें मेन है इसकी कि ड्राइनेस और हेयर फॉल, ये दोनों ही चीजें आती हैं, तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आपको वीक में कम से कम 2 to 3 times हेयर वॉश तो करना ही है इसमें, और कंपल्सरी वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं आपको। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया है हेयर स्मूथनिंग का। मैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आपको करना है लाइक। आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, या आपने ये अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है सब्सक्राइब, और आप वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, जल्दी मिलूंगी आपसे कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ मजेदार, कुछ अच्छा, कुछ फनी लेके। ओके तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड लव योरसेल्फ।